कोई भी काम तब तक ही नामुमकिन लगता है जब तक कि उसको करने के लिए पहला कदम ना उठाया जाए। तो मतलब ये कि हमें कोई भी काम करने से डरना नहीं चाहिए। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? आई होप सब हेल्दी होंगे और फिट होंगे। तो शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड मैप वर्क, जो कि है इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। और इस वीडियो में हम मार्क करेंगे फर्स्ट चंपारण, जो कि बिहार में है और ये मूवमेंट इंडिगो प्लांटर्स ने किया था। सेकंड जो कि होगा खेड़ा, जो कि गुजरात में है और यहाँ से शुरू हुआ था पीजेंट सत्याग्रह। थर्ड है अहमदाबाद, अगेन गुजरात में है और यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। फोर्थ जानेंगे अमृतसर के जलियांवाले बाग का इंसिडेंट। फिफ्थ चौरी चौरा, जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। और लास्ट जो होगा दांडी, जो कि है गुजरात में। इन शॉर्ट हम लोग मैप में जो मार्क करने वाले हैं वो है चंपारण, खेड़ा, अमृतसर, अहमदाबाद, चौरी चौरा एंड दांडी। तो मैप शुरू करने से पहले आपने अगर मेरी नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस का, तो वो भी देखिए। उसमें मैंने आपको मैप फिल करने का टिप बताया है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे चंपारण, जो कि बिहार में है। तो चंपारण है बिहार के नॉर्थ वेस्ट में। और अब जान लेते हैं चंपारण की कहानी। तो 1916 में ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल किया गया, जिसमें गांधी जी ने पीजेंट्स यानी किसानों को इंस्पायर करने के लिए बिहार से चंपारण की यात्रा करी थी। नेक्स्ट है खेड़ा, जो कि गुजरात में है। तो जान लेते हैं खेड़ा की कहानी भी। खेड़ा जो कि गुजरात के साउथ ईस्ट में है। तो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक यानी कि महामारी की वजह से वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाए और उन्होंने डिमांड करा कि उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन में कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। और इसी के लिए 1917 में गांधी जी ने पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। इसीलिए इस सत्याग्रह का नाम दिया गया पीजेंट्स सत्याग्रह। थर्ड होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद अगेन गुजरात में है, बस खेड़ा से थोड़ा सा ही ऊपर। तो 1918 में महात्मा गांधी कॉटन मिल वर्कर्स के बीच सत्याग्रह मूवमेंट करने के लिए अहमदाबाद गए। फोर्थ होगा अमृतसर। तो अमृतसर पंजाब में है और पंजाब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है। और कहानी 13 अप्रैल की है। तो 13 अप्रैल को सबसे ट्रैजिक जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। जलियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ जमा हुई। कुछ लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी सेम टाइम पर बैसाखी मेला भी चल रहा था। और तभी जनरल डायर जलियांवाला बाग में एंटर हुए और एंट्री गेट बंद कर दिया और ओपन फायर कर दिया, जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। और इस इंसिडेंस को जलियांवाला बाग इंसिडेंस कहा गया। फोर्थ होगा चौरी चौरा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा ये है यूपी में नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास। तो गोरखपुर के चौरी चौरा में एक बाज़ार में शांतिपूर्ण यानी कि पीसफुल प्रदर्शन पुलिस के साथ वॉयलेंट क्लैश में बदल गया, यानी कि हिंसक झड़प में बदल गया, पता ही नहीं चला। और इस घटना से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया और इसलिए इस मूवमेंट को कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा गया। और लास्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर है इंडियन नेशनल मूवमेंट का दांडी, जो कि अगेन है गुजरात में। दांडी गुजरात के साउथ में है। ये एक कोस्टल विलेज है और ये कोस्टल लाइन पर लोकेटेड है। महात्मा गांधी ने अपने सॉल्ट मार्च की शुरुआत साबरमती के गांधी आश्रम से दांडी टाउन तक की
और 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी से नमक बनाकर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा और इसी वजह से इस मूवमेंट को सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट भी कहा गया। तो ये था हिस्ट्री का मैप वर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी के मैप वर्क को कंप्लीट, तो मिस मत करना। एंड यस, योर सजेशंस एंड ओपिनियंस मैटर्स अ लॉट, सो गिव योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स। और साथ ही साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बताएं। तो मैं हूँ आपकी दोस्त केशा कुशवाहा और आप देख रहे थे एडिफिकेशन सीकर, इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।